हाय गाइस, यू वाचिंग फिटनेस फैक्ट चेक विद मी मानुबिश। और आज हम पूछेंगे लोगों से कि पीसीओडी क्या होता है, आइए जानते हैं उनसे। ये एक ऐसा डिजीज है जो कि एवरी थर्ड गर्ल इज गोइंग थ्रू। इट्स अ डिजीज जो बेसिकली फीमेल्स में होती है। पीसीओडी इज बेसिकली वेयर इन ऑपोजिट हार्मोन मतलब ज्यादा होते हैं। क्या आपको पता है कि पीसीओडी क्या होता है? आपको पीसीओडी आप बताएंगे तभी तो मुझे पता होगा ना। PCOD पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन में एंड कंसीविंग में प्रॉब्लम जरूर आती है। देयर इज अ पर्सन हुम आई नो एंड शी इज अनेबल टू कंसीव एट दिस मोमेंट। एक्चुअली आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग बट होता ही होगा। तो ये तो थे लोगों के आंसर्स। अब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीओडी। पीसीओडी is a terminology which signifies polycystic ovarian disease. In fact, it is not PCOD, it is PCOS. It means it is not a disease, it is syndrome. It comprises of a few things which happen in most of the young girls till age of 35 to 40 years. It usually starts around 13, 14, 15 years of age. This may be what you experience first is like you have sometimes a problem of delayed periods. Achha khasa cycle chal raha and suddenly it becomes delayed. So this is the first sign that you have a delayed period, and then secondly you can have hair growth over the chin, unwanted hair growth, your actual hair on the scalp starts reducing, that is baldness aane lagta hai, pigmentation aane lagta hai, you become a bit irritable, you start gaining weight and bone pains which will trouble you. आपको इसमें ऐसे इसमें से दो तीन सिम्टम भी मिलते हैं तो जस्ट कॉन्टैक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड विल फाइंड आउट वेदर यू हैव पीसीओएस और यू हैव सम अदर इलनेस विच इज़ कॉजिंग दिस ट्रबल। एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से पीसीओएस इज कमिंग ऑन अ राइज। इट इज सीन द लास्ट 10 ईयर्स इट हैज सडनली एक्सपर्ट आ गया है पीसीओएस का। अब पीसीओएस में सिम्टम्स आने के बाद व्हाट कैन हैपन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कम्स विद इनफर्टिलिटी, like you are trying to conceive but you are not unable to, so that also ek ghanti bajni chahiye ki why it is not happening. PCOS is maybe a big reason for that. So again I would suggest you consult your gynecologist and she will guide you. As you might be wondering ki PCOS ho gaya hai to humko ab बीमारी लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ 100% क्योरेबल। सो वॉट यू हैव टू डू इज थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इट इज़ अ ट्राइंगल ऑफ ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेट। सो वेट रिडक्शन इज अ मस्ट। इट इज़ अ वेरी स्टबर्न फैट जिसको निकालना थोड़ा टफ होता है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा वर्क। वर्कआउट करिए इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू वॉन्ट। यू कैन गो टू द जिम, यू कैन गो टू स्विमिंग, यू कैन गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, you can take any sport. Badminton and swimming are the very two good sports jisme ki weight hamara bahut jaldi girta hai. Then diet mein you have to avoid all such things like junk food. Usually we take in plenty jo aajkal hum log le rahe hain. Junk food ke alawa the working girls and students they have less of time to cook for themselves. So I would request ki koi tiffin center se aap contact karo so that you get at least homemade food jisme oil kam ho, salt kam ho, because all these things can lead to unknowingly आपका वेट गेन करेंगे। आप एक तरफ तो एक्सरसाइज कर रहे हो उसके लिए टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो एंड देयर योर फूड स्पॉइल्स एवरीथिंग। सो डाइट एंड एक्सरसाइज आर टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड थर्ड इज मेडिकेशन। यू विल बी प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन बाय द डॉक्टर, टेक इट एज एडवाइज एंड योर पीसीओएस प्रॉब्लम विल गो। डेफिनेटली इट इज क्योरेबल। इनफर्टिलिटी वी हैव टू टेक सम गुड केयर। अगेन इनफर्टिलिटी के कुछ ट्रीटमेंट होता है विच योर कंसल्टेंट विल गाइड यू इन। Please don't panic about PCOS. It is coming up, of course, but then our medical science is far ahead of that. It is 100% curable. Just follow the guidelines which your doctor prescribes you.